अब HCS दूर नहीं है। आज हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। हम आपको बता दें, इससे पहले हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बता चुके हैं, जो कि हमारी वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। हम बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो, जो कि एक जापान का शहर है, जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न एक, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आंसर, ग्रीन हाउस की गैस को उत्सर्जन कम करने से। प्रश्न दो, क्योटो प्रोटोकॉल की संधि कहाँ हुई और कब हुई? जापान में 11 दिसंबर 1997। प्रश्न तीन, क्योटो प्रोटोकॉल की संधि कब लागू हुई? आंसर, 16 फरवरी 2005 को लागू हुई। हमारे सेशन में इतना ही। थैंक यू।